Good morning, students. Okay, today we are going to do the exercise 6.7. See, addition of fractions we are going to do. Now see, addition of fraction. इसमें हम 5 से करने वाले हैं, 6 से. 1 by 8 plus 1 3 by 8. Now, how to do such types of problems? See, ऐसे problem करने पर से पहले उनको simple form में convert करना पड़ता है. देखो, 1 1 by 8, इसको convert करने से यहाँ पे multiply लेना पड़ता है. 8 1 जा 8, और ऊपर का number उसमें plus कर लेना. 8 1 जा 8, 8 ये number plus कर देना है. तो plus 1 9, तो 9 लिखना है numerator में, और ये number copy in the denominator. See, first copy the denominator. Denominator वही रहता है. 8 1 जा 8, 8 plus 1 9, 9 here. 8 1 जा 8, 8 plus 3 11 here. Like this. Denominator पहले ही copy कर दो. Copy the denominator. फिर 8 1 जा 8, 8 plus 1 9. 8 1 जा 8, 8 plus 3 11. Like this you have to convert. Now check, our denominators are same. अगर same denominator है, like fraction है, तो हम copy कर लेंगे इसको. Then this numerator 9 plus this numerator 11, and here we get 20 by 8 is the answer. Now देखो ये common किस number के table में आते हैं. देखो 4 के table में 8 आता है, 4 के table में 20 आता है. तो divide by the common divisor, and this is 5 and this is 2. Now how this came 5? 20 divided by 4, तो यहाँ पे 5 आ जाता है. और 8 divided by 4, तो यहाँ पे 2 आ जाता है. तो दिस नंबर आई एम टेकिंग हियर एंड दिस डाउन साइड दिस 2 आई एम टेकिंग डाउन. तो 5 by 2 इज द आंसर. राइट दिस स्लोली केयरफुली, अंडरस्टैंड एंड राइट. आपको ऐसे टाइप में हमको करना क्या है, कन्वर्ट दिस मिक्स फ्रैक्शन इनटू सिंपल फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर पहले कॉपी कर लेना है. दिस कॉपी एक बार हो गया कि ये मल्टीप्लाई करना 8 1 जा 8, और इसमें ये ऊपर का नंबर प्लस कर देना. प्लस 1 9, तो 9 by 8. ये 8 1 जा 8, 8 plus 3, तो 3 11, तो 11 by 8. कॉमन डिनोमेटर हियर, तो 9 plus 11 हियर 20 by 8. फिर चेक करना है कि दोनों नंबर कौन से टेबल में आते हैं. दोनों नंबर 4 के टेबल में आ रहे हैं, तो 4 से डिवाइड. ऊपर के डिवीजन का आंसर ऊपर, नीचे के डिवीजन का आंसर नीचे. तो 5 by 2 इज योर लास्ट आंसर. राइट दिस. और एक करेंगे हम ऐसा ही प्रॉब्लम. देखो इसमें 7th प्रॉब्लम है, 1 1 by 2 and half. 7th प्रॉब्लम है 1 1 by 2 plus half, ऐसा है. तो देखो इसको ऐसे करेंगे फिर से. अभी इसमें एक ही नंबर मिक्स है, दूसरा तो सिंपल है. तो जो मिक्स है उसको ही हम सिंपल कर लेते हैं. कॉपी द डिनोमिनेटर, 2 1 जा 2, 2 plus 1 3. ये सिंपल ही है, तो इसको ऐसा क्या ऐसा रहने दो. नाउ चेक द डिनोमिनेटर्स. डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो कॉपी द कॉमन डिनोमिनेटर. इसके ऊपर है 3 और इसके ऊपर है प्लस 1, तो ये हो गया 4 और ये है 2. अभी दोनों कौन से टेबल में आते हैं चेक करो. चेक कि दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, तो ये भी 2 से डिवाइड होता है, ये भी 2 से डिवाइड होता है. तो ऊपर के डिवीजन का आंसर है 4 divided by 2, तो ये आ जाता है 2 ऊपर. और नीचे है 2 divided by 2, 2 1 जा, तो ये आ गया, तो ये आ गया 1. तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 1 मीन्स सेम नंबर 2. इट्स द लास्ट आंसर. ऐसे करना है हमको. ये ऐसा ही सेम प्रॉब्लम है 8 1, वो भी कर लेंगे हम. 8 वाला भी कर लेंगे, तो हमको बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर. तो ये है 3 by 5 plus 1 1 by 5. 8 1 है 3 by 5 plus 1 1 by 5, ऐसे है. देखो ये सिंपल फ्रैक्शन है, कॉपी इट एज इट इज. ये मिक्स है, इसका पहले डिनोमिनेटर कॉपी कर दो, फिर 5 1 5, 5 plus 1 6. आई विल राइट 6 हियर. नेक्स्ट स्टेप इज चेक द डिनोमेटर, सेम कॉमन डिनोमेटर आप चलो इसमें कॉपी कर लेंगे. फिर ये आप 3 plus ये 3 plus ये 6,
नाउ 6 + 3 9 9 डिवाइडेड बाय 5. अभी दोनों एक ही टेबल में आते हैं कि चेक करो. नो 9 and 5 डू नॉट कम इन द सेम टेबल. सो लीव इट. दिस इज द लास्ट आंसर एंड द प्रॉब्लम इज ओवर. तो तीनों प्रॉब्लम हो गए हैं. नाउ ऐसे ही हम करेंगे, माइनस वाली प्रॉब्लम कर लेंगे हम. फाइंड द डिफरेंस. बी पार्ट इसमें का है, बी पार्ट करेंगे. फाइंड द डिफरेंस. फाइंड द डिफरेंस. देखो ऐसे, तो इसमें से भी हम करने वाले हैं 5 से. पहला वाला ले लो 2 2/6 -1 5/6. ये वाला प्रॉब्लम करेंगे फर्स्ट. तो देखो इसमें, देखो डिनोमिनेटर को आप कॉपी कर लो, डिनोमिनेटर को आप कॉपी कर लो. नाउ कन्वर्ट इनटू सिंपल फ्रैक्शन. 6 2 12 6 टू डाउन साइड मल्टीप्लाई 6 2 12 12 प्लस ये वाला नंबर 2 12 प्लस 2 14 हियर 6 1 6 6 प्लस 5 11 नाउ चेक द डिनोमिनेटर सेम है. चलो कॉमन डिनोमिनेटर कॉपी कर लिया मैंने यहाँ पे 6 तो ये ऊपर के 14 एंड देन दिस माइनस साइन एंड दिस 11 लाइक दिस. तो 14 में से 11 गए 3 बच गए और अपॉन 6. एक बार इतना हो गया कि आपको चेक करना है कि दोनों सेम नंबर के टेबल में आते हैं क्या. यस, ये 3 के टेबल में आता है, ये भी 3 के टेबल में आता है. तो डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3. तो यहाँ पे आपको 3 डिवाइडेड बाय 3 1 आता है और 6 डिवाइडेड बाय 3 ये आता है 2. तो ऊपर आता है 1 और नीचे आता है 2. द हाफ इज योर लास्ट आंसर. इन दिस वे वी आर गोइंग टू डू दिस. देखो और बहुत सारे प्रॉब्लम करेंगे तो हमको प्रैक्टिस हो जाएगी, हमको आ जाएगा ये. ऐसा ही हम 6th one भी कर रहे हैं अभी. 6th one -2.5 अगेन. देखो 3.5 मिक्स नंबर, 2.5 मिक्स नंबर, बोथ द नंबर्स आर मिक्स. अगर दोनों मिक्स है तो चलो इनको सिंपल में कन्वर्ट करो पहले. तो डिनोमिनेटर कॉपी, डिनोमिनेटर कॉपी. 3 2 6 6 + 1 7 हियर. 2 2 4 4 + 1 5 हियर. तो ये हो गई हमारी स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 होने के बाद चेक द डिनोमिनेटर सेम है क्या. अगर सेम है क्या है तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, सेम नहीं है तो हमको एलसीएम निकालना पड़ता. चलो हमारे तो सेम वाले प्रॉब्लम है तो कॉमन डिनोमिनेटर हमने कॉपी कर लिया 2. तो यहाँ पे लेना डायरेक्ट 7, ये माइनस साइन बीच में और ये वाले 5 ही है. तो 7 - 5 ये होते 2 2/2. अब ये स्टेप आने के बाद चेक करो ये सेम नंबर के टेबल में है क्या. यस, दोनों 2 2 से डिवाइड थे. डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2. तो 2 को अगर 2 से डिवाइड करो तो 1 आता है. तो ऊपर भी आता है 1 और नीचे भी आता है 1. 1/1 का मीनिंग होता है 1. योर लास्ट आंसर 1. लास्ट आंसर इज 1. राइट, राइट इन योर नोटबुक. मेरे साथ साथ ही लिखते रहो. नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 7th 1 4/9 -8/9. तो देखो ये सिंपल नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन है. इसको पहले सिंपल करेंगे. कॉपी द डिनोमिनेटर. 9 1 9 9 + 4 13 ये सिंपल ही है, इसको कॉपी कर दो ऐसे. स्टेप नंबर 2 चेक द डिनोमिनेटर सेम है. यस, अगर सेम है तो कॉपी दे. ऊपर लिखना है 13 फिर माइनस एट. 13 में से 8 गए 5 और ये 9. दोनों एक ही टेबल में नहीं आते तो स्टॉप हियर. दिस इज योर लास्ट आंसर. डू विथ मी, धीरे धीरे मेरे साथ साथ ही करना है आपको.
देखो 81 करने वाले, इसके बाद हम 7 3 बाई 4 माइनस 7 1 बाई 4। तो देखो ये प्रॉब्लम फिर से मिक्स नंबर है, कॉपी द डिनोमीटर, मिक्स नंबर है कॉपी द डिनोमीटर। 4 7 जा 28, 28 प्लस 3 31, 4 7 जा 28, 28 प्लस 1 29। नाउ चेक द डिनोमीटर इज कॉमन कॉपी, तो ये 20 31 में से 29 निकाल दो, तो ये बचेंगे 2 बाई 4। चेक इसमें कॉमन डिवाइजर है क्या, यस ये भी 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 1 एंड 4 डिवाइडेड बाई 2 2, 1 बाई 2 इज योर लास्ट आंसर। आराम से लिख लो ये। Yes, तो अगर आपका ये लिखना हो गया तो हम अभी करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स कर लेंगे कुछ। पे अटेंशन, वर्ड प्रॉब्लम भी हमारे प्लस माइनस के वर्ड प्रॉब्लम है ये एक्सरसाइज 6.7 में। ठीक, आई एम गोइंग टू डू द सी सेक्शन नाउ। टेक दिस फर्स्ट वन, रॉबर्ट माउंट 1/4 ऑफ हिज लॉन ऑन मंडे। रॉबर्ट माउंट लॉन। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज माउनिंग ऑफ द लॉन? को लैंड लॉन पता है ना, ऐसे ग्रीन ग्रीन ग्रास होता है, ग्रीन ग्रीन ग्रास होता है गार्डन में, तो इसको कट करके एक मशीन से कट करके उसको लेवल में लाते हैं, दैट इज कॉल्ड माउइंग। तो रॉबर्ट ने ये लॉन को ऐसे लेवल में किया है, तो यहाँ पे गिवन है कि ऑन मंडे, मंडे को कितना किया उसने, मंडे को उसने किया है 1/4 पार्ट। देन ट्यूजडे को किया है, ट्यूजडे को भी किया है 1/4 पार्ट। सी रॉबर्ट माउड ए लॉन ऑन मंडे 1/4 पार्ट, ट्यूजडे 1/4 पार्ट। नाउ दे आर आस्किंग व्हाट फ्रैक्शन ऑफ लॉन डिड ही माउ ऑन दिस टू डेज। दो दिन में उसने कितना काम कर लिया, दिस इज आस्क। सी लॉन माउड इन टू डेज, ये दो दिन में उसने कितना काम कर लिया ऐसे पूछ रहे। तो फर्स्ट डे में क्या था 1/4 पार्ट, सेकेंड डे में क्या था 1/4 पार्ट, तो दोनों मिला के अब ये करेगा वो दो दिनों में। तो चलो चेक दिस डिनोमीटर इज सेम, कॉपी द डिनोमीटर, तो दिस इज 1 + 1, तो दिस इज 2/4। नाउ चेक एनी कॉमन डिवाइजर इज देयर, 2 और 4 दोनों भी 2 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो हाफ पार्ट उसने दो दिनों में कर लिया, हाफ पार्ट ऑफ द लॉन उसने दो दिनों में कर दिया है। सी रॉबर्ट माउड इन लॉन, माउइंग मींस टू मेक इन द लेवल बाय कटिंग द ग्रास। तो ग्रास को कट कर रहे हो, तो 1/4 पार्ट उसने मंडे को किया, 1/4 पार्ट ट्यूजडे को किया, तो टोटल दो दिनों में उसने कितना काम किया, तो पहले दिन का प्लस दूसरे दिन का, तो दोनों के हमने किए हैं प्लस, फिर हमारा रूल फॉलो किया, डिवाइड किया, तो हाफ पार्ट ऑफ द लॉन उसने दो दिनों में कर दिया है। प्रॉब्लम नंबर 1। नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे, मेरे साथ साथ ही लिखते रहना है आप लोगों ने, रीड फर्स्ट और एक करेंगे सेकंड पार्ट। राजू बॉट 1/4 केजी ऑफ फॉर शुगर एंड 3/4 केजी ऑफ राइस फ्रॉम द मार्केट।
सेकेंड वन, सेकेंड प्रॉब्लम करेंगे हम। राजू बॉट राजू बॉट क्या क्या लाया है राजू ने? राजू ने खरीद के लाया है, क्या लाया है? शुगर लाई है। कितनी लाई है शुगर? राजू बॉट 1 1/4 kg, 1 1/4 kg शुगर। कितनी शुगर लाई है? फिर उसने राइस लाया है 3 by 4 kg, राइस लाया है 3 by 4 kg। ओके, तो फ्रॉम द मार्केट व्हाट इज द टोटल वेट? वो पूछ रहे टोटल वेट पूछ रहे हमको, तो टोटल वेट इक्वल टू कैसे फाइंड आउट करेंगे टोटल वेट? ये पहला वेट है 1 1/4 kg, देखो यूनिट चेक करना है सेम है क्या। दूसरा वेट है 3 by 4 kg, अगर यूनिट सेम है तो हम आगे जा सकते हैं, तो हमारी यूनिट तो सेम है, तो चलो हम डायरेक्टली 1 1/4 + 3/4 कर लेंगे। दिस इज नॉट सिंपल, कन्वर्ट इट इनटू सिंपल फॉर्म। 4 1 4 4 + 1 5 5 by 4, दिस इज 3 by 4 3 by 4। नाउ कॉमन डिनोमिनेटर कॉपी एक 5 + 3, दिस इज 8 by 4। नाउ कॉमन नंबर से डिवाइड भी कर दो होगी, तो ये है 2 और ये है 1, 2 by 1 मीन्स 2। 2 kg वेट उसने लाया है, 2 kg वेट, टोटल वेट इज 2 kg। एंड हियर आवर टाइमिंग वाज ओवर, हैव अ गुड डे, बाय। नेक्स्ट बचे हुए प्रॉब्लम हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे।